प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कल हमने अध्ययन किया था कि कुमार संभवम जो कि कालिदास की रचना है, 17 सर्गों में निबंध एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य के अंदर शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा ताड़कासुर की वध की कथा का वर्णन है। इसका जो पांचवा सर्ग है वो आपके सिलेबस में चलता है और पांचवा सर्ग साहित्यिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से, भावबोध की दृष्टि से, उक्तियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम इस पांचवें सर्ग की कथा का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि इसका कथा वस्तु क्या है, इसकी शैली क्या है और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कुमार संभवम के पांचवें सर्ग में जो कथा है उस कथा को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। कथा इस प्रकार से है कि पार्वती जब अपने समक्ष शिव के द्वारा कामदेव को भस्म होती हुई देखती है तो उसके मन में ये भावना उत्पन्न होती है कि शिव को अगर प्राप्त करना है, शिव को अगर प्रसन्न करना है तो उनके सामने बाह्य सौंदर्य का प्रदर्शन किसी प्रकार का महत्व नहीं रखता, या यूं कहे कि श्रृंगारिक क्रियाओं के द्वारा या श्रृंगार के द्वारा अगर हम शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करें तो वह व्यर्थ है। उनको प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है तपस्या, और इसी को ध्यान में रखते हुए वह तप के लिए निकलती है, कठोर तप करती है। तप के दौरान एक तपस्वी की उनसे मुलाकात होती है, तपस्वी वहाँ आता है, तपस्वी और उसके पार्वती के मध्य संवाद होता है, तर्क वितर्क होते हैं और पार्वती के द्वारा उन तर्कों का समुचित उत्तर दिया जाता है, तत्पश्चात शिव और पार्वती का मिलन होता है। ये पांचवी सर्ग की कथा है। इन तपस्या के दौरान, वर्णनों के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय की सुषमा, हितोपदेश, किस प्रकार से आदमी को इन परिस्थितियों में व्यक्ति को क्या निर्णय लेना चाहिए, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, वो सब बातें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले ये जो कथा है उसको तीन भागों में बांटा गया है। पार्वती की तपस्या, तपस्या से मतलब है कि अपने पिता से अनुमति प्राप्त करके वह हिमालय में जाती है गौरी शिखर पर और वहां जाकर के कठोर तप करती है। तत्पश्चात पार्वती और ब्रह्मचारी में संवाद। ब्रह्मचारी पार्वती की तपस्या का निमित्त पूछता है और उसके निमित्त के बारे में, उसके कारण के बारे में जब उसे पता चलता है तो उसका उपहास उड़ाता है और इन उपहासों का फिर पार्वती प्रत्युत्तर देती है और फिर पार्वती और शिव का मिलन। तो इस प्रकार से हम इस कथा को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पार्वती की तपस्या की कथा, किस प्रकार से यह शुरू होती है। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम विदेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। कहने का मतलब तथा समक्षम, जिस प्रकार से अपने सामने कामदेव को जलता हुई देखती, कामदेव को जलते हुए देखती है पार्वती तो वह मन ही मन धिक्कारती है। निनिंद रूपम विदेन पार्वती, अपने रूप को, सौंदर्य को धिक्कारती है। क्यों धिक्कारती है? क्योंकि अब तक वह सोच रही थी कि शिव को मैं श्रृंगारिक क्रियाओं के द्वारा, अपने सौंदर्य के द्वारा उसको आकर्षित करूंगी और उसकी तपस्या को भंग कर दूंगी, लेकिन जब कामदेव जैसा जो तपस्या को भंग करने आया है वही उसके सामने भस्म हो गया, उससे बड़ा सौंदर्य किसका। तो उसने ये देखा कि यह शिव के समक्ष कामदेव भी किसी भी प्रकार का महत्व नहीं रखता। तो कहने का मतलब है कि सौंदर्य के द्वारा अगर मैं शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हूं तो व्यर्थ है, क्योंकि सौंदर्य क्या है, बाहरी सौंदर्य क्या, बाहरी सौंदर्य को छोड़िए, प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, चारुता वह सौंदर्य वह है जो आपके अभिष्ट के मन में प्रेम उत्पन्न कर दे। इतनी सुंदर व्याख्या की है कि सुंदरता, सौंदर्य की परिभाषा बताई गई है कि सौंदरता किसे कहते हैं। सुंदरता का मतलब है जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप प्रसन्न करना चाहते हैं उसके मन में आपके प्रति अनुराग पैदा कर दें।
अब वो अनुराग किस चीज से पैदा होगा, वो चीज महत्वपूर्ण है। किसी के लिए केवल बाह्य सौंदर्य ही महत्वपूर्ण होता है कि उसी के द्वारा ही वह अनुरक्त हो जाए, लेकिन शिव के विषय में ऐसा नहीं है। शिव के लिए बाह्य सौंदर्य महत्व की वस्तु नहीं है। उनको अगर प्रसन्न करना है, उनको अगर खुश करना है, तो चारुता केवल क्या है? तपस्या। तो यहां पर सौंदर्य किसका प्रतीक है? तपस्या का। तो पार्वती ने जब कामदेव को भस्म होते हुए देखा तो उसने बाह्य सौंदर्य को त्याग कर शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या का मार्ग चुना। तत्पश्चात वह अपनी माता के पास जाती है और तत्संबंधित आज्ञा चाहती है, लेकिन उसकी माता बड़ी ही शांतपूर्वक उसे समझाती है कि देखो बेटा, तुम्हारी जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है, कौमार्य तुम्हारे में है, और ये तपस्या करना ये तुम्हारे वश की बात नहीं, और तुम तपस्या करो भी तो क्यों, जो भी कुछ चाहिए तुम्हारे पिता के पास यहाँ सब कुछ विद्यमान है, जिस देवता से तुम शादी करना चाहती हो वो देवता भी सब यहीं निवास करते हैं, तो छोड़ो, शिव को छोड़ो, और बहुत से देवता हैं, तो इसलिए ये सब रहने दो। लेकिन पार्वती जो एक दृढ़ निश्चय कर चुकी है मन में, वो अब अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। क्यों? कईप्सितार्थ स्थिर निश्चय मन पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपये। जिस प्रकार से एक पर्वत से गिरती हुई नदी उसको रोक पाना मुश्किल होता है, ठीक उसी प्रकार से जिसने एक बार निश्चय कर लिया, स्थिर कर लिया मन को, उसे हटाना, उसे अपने मार्ग से हटाना बहुत ही कठिन काम है। इस प्रकार से फिर वह अपने पिता के पास जाती है और अपने सखी के माध्यम से उनसे अनुमति देती है। पिता की अनुमति प्राप्त करके वह तपस्या के लिए प्रस्थान करती है। तो तपस्या के लिए जाती है तो तपस्वी के वेश वलकल वस्त्रों को धारण करती है, जो उसने अब तक जो सौंदर्य प्रसादन की सामग्री पहन रखी थी उसको वह छोड़ती है, उन सुंदर सुंदर वस्त्रों को छोड़ती है और वलकल को धारण करती है। लेकिन वलकल धारण करने पर भी उसका जो नैसर्गिक सौंदर्य है उसमें लेश मात्र की भी कमी नहीं आती है, क्योंकि जो कमल है वह भ्रमर से ही नहीं अपितु शैल से भी, जो शैल होती है पानी में हरी हरी रंग की, उससे भी उसकी शोभा बढ़ती है। तो वलकल पहनने से भी जो नैसर्गिक सौंदर्य है पार्वती का, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। जिन हाथों को अब तक वह अपने सौंदर्य प्रसाधन के काम में लिया करती थी, पीड़ाओं के काम में लिया करती थी, उन्हीं हाथों के अंदर अब अक्षमाला लिया करती है, उसका जप किया करती है आश्रम के अंदर। अच्छा, वह तपस्या करने के लिए जाती है गौरी शिखर पर। ये गौरी शिखर जो नाम है वो बाद में उसकी महिमा के कारण पड़ा कि यहाँ पर गौरी आई थी, इसलिए गौरी शिखर, पहले नहीं था, जो बाद में प्रसिद्ध हुआ। तो वहाँ शिखर पर जा करके आश्रम का निर्माण करती है, अपने हाथ से सुंदर सुंदर वृक्ष लगाती है, उन वृक्षों को अपने पुत्रों के समान पालती है, वृक्षावक है उनकी सेवा करती है, उनको अपने हाथों से निवार खिलाती है, और निवार खिलाने के कारण उस पर इतना विश्वास हो गए वो सावक वृक्षावक कि किस प्रकार से अपनी सखियों के सामने उसकी आंखों से अपनी आंखों को मिलाती है। इन सब का कालिदास ने इतना सुंदर प्राकृतिक वर्णन किया है कि प्रकृति का एक सजीव रूप हमारे समक्ष उपस्थित होता है। मनुष्य किस प्रकार से प्राकृतिक हिस्सा है, किस प्रकार से प्रकृति के साथ उसका संबंध जुड़ा हुआ है, यह हमें वास्तविक रूप में देखने को मिलता है। तत्पश्चात जब तपस्या के ये दौरान पार्वती को यह लगता है कि अभी तक मेरी तपस्या इतनी तीव्र नहीं हुई है, उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो अपने तपस्या के स्तर को वो बढ़ाती है। अब चारों ओर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चार अग्नियां जलाकर ऊपर से सूर्य, यानी कि पांच अग्नियों के समक्ष अग्नि के अंदर, मतलब ग्रीष्म के अंदर वह पांच अग्नियों के बीच में बैठ करके तपस्या करना शुरू करती है। शरद ऋतु के अंदर, शीत ऋतु के अंदर ठंडे तालाब के अंदर खड़ी होकर के तपस्या करती है, ठंडी ठंडी शिलाओं पे तपस्या करना शुरू करती है। लेकिन जब इतने से भी पूरा जो तपोवन है उसके तप से अब महक उठा है, बड़े बड़े तपस्वी वहाँ आने लगे हैं, इतने वर्ष भी जब उसका मनोरथ सिद्ध नहीं होता तो उसने क्या किया, गिरे हुए पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। इसके पश्चात उसका नाम क्या सिद्ध हुआ, अपर्णा। ये परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि अपर्णा किसे कहते हैं, अपर्णा पार्वती का नाम है, यानी कि पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान स्वयं गिरे हुए पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था। दूसरी बात, एक उक्ति और आती है, न धर्म वृद्धि शुभ यक्ष समीक्षते। जो धर्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति लगे हुए हैं
उनके अंदर आयु नहीं देखी जाती, क्योंकि दूर दूर से बड़े बड़े तपस्वी लोग उसके दर्शन करने लिए आ रहे थे कि किस प्रकार से वह इतनी कठोर तपस्या कर रही है। ऐसी स्थिति हुई, एक दिन की बात है, एक तपस्वी उसके आश्रम में आता है। तो ये यहाँ तक की घटना है पार्वती की तपस्या, पार्वती ने किस प्रकार से आज्ञा ली और किस प्रकार से अपने तपस्या के स्तर को वो लेकर के गई। अब हम कल पार्वती और ब्रह्मचारी के बीच में जो संवाद है किस प्रकार से होता है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।